नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यदि जाप बिहार के विधानसभा में सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार के 15 साल के घोटाले की पूरी तरह से जांच कराएगी। उन्होंने आगे कहा कि रघुवंश बाबू के बारे में जो हमदर्दी जदयू और नीतीश कुमार दिखा रहे हैं, ये हमदर्दी कुछ दिनों के लिए है। नीतीश जैसे लोग और जदयू में रहने वाले उनके बड़े नेता जॉर्ज फर्नांडिस को तक भूल गए तो रघुवंश बाबू कहां के हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो पत्र लालू यादव रघुवंश बाबू को मनाने के लिए लिख रहे हैं, यदि उसी तरीके का कड़े भाषा में पत्र अपने बेटों को लिखते तो शायद रघुवंश बाबू ने जो ये कदम उठाया है राजद छोड़ने का, वो नहीं उठाए होते। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने और क्या कुछ कहा है उसे आपको सुनाते हैं। सब रूप में हम है, हमने लालू जी से आग्रह किया ना, लालू जी को तय करना है कि महागठबंधन बड़ा होना चाहिए। आप लात मारते रहिएगा तो आग्रह को करेंगे बचाइए। और आपके चिट्ठी तो रघुवंश बाबू से ज्यादा अच्छा है, खन्नान को लिखी है जिसके चलते हर लोग अपमान होता है, ये कौन बड़ी बात होगी। पप्पू यादव जी, रीतलाल यादव ने कहा है कि कोई भी पार्टी टिकट देगी हम उनके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, क्या बधाई हो सबको डेमोक्रेसी में लड़ने का है। हमारी पार्टी जब आएगी तो मैं आपको बहुत क्लियर हूँ कि किसी भी परिस्थिति में, आप इसको लिख लीजिए सादे कागज पर, किसी भी परिस्थिति में हम 80% रोजगार को देंगे, युवा को देंगे। और हमारी लड़ाई कंप्लीट आईटी इंजीनियर, हमारी जो गोली होगी वो आवाज की होगी, वो विचारों की होगी। और कौन सबको लड़ने का अधिकार है वो लड़े, बधाई। लाल यादव को देंगे या नहीं, सबको लड़ने का अधिकार है, बधाई। मोदी जी बनेंगे, सब मंत्री मोदी जी बनेंगे। पशुपालन विभाग में भी कुछ दूसरा 90 डाल दे। अभी डॉल्फिन में मछली, उनको बहुत बाद में याद आया कि मछली बिहार में सबसे पहले, माछ मछली पान मखान धान। अब मोदी जी को अभी माछ याद आया, कुछ दिन में मिथिला का पान मखानो याद आ जाएगा, उसका भी ट्वीट करेंगे। मैथिली मखान, मैथिली दही चूड़ा, भोजपुरिया सत्तू, भोजपुरिया लिट्टी चोखा, मैथिली भुज्जा चना। आप सुरक्षित रहिएगा, रात के 1 बजे भी हमारी बेटी बाहर घूमेगी, फैमिली आजाद होगा, या तो हम रहेंगे या तो माफिया अपराधी रहे। ये जब आएंगे तो बताएंगे। आज पहले खास मोदी जी जो कल झांसा दिया है वो चला लीजिए। महिलाएं तो हमारी बेटी है और बहन है, तो खास ही खास है, बहन बेटी के लिए सबसे ऊपर है, खास है, माँ सबसे ऊपर है। माँ और मौसी, माए जिए माए मारे मौसी, माए और मौसी, अब बहन या बेटी तो खास है, खास है। वो मोदी जी से पूछना पड़ेगा। अब हमको नहीं पता बेरोजगार करके कौन कौन रोजगार अपना ढूंढ रहे हैं, अब पूरा घर जला करके कौन कौन घर बचेगा 30 सालों में तो भगवान जाने। लेकिन हम इतना जानते हैं कि चुनाव में एक भी मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री का विरोध होगा, बेरोजगार छात्र युवाओं के द्वारा एनडीए का जमकर सड़कों पर विरोध किया जाएगा, उसके खिलाफ उसे रोका जाएगा, आंख बंद करके उसको गांव ढूंढने नहीं दिया जाएगा। आनंद सिंह कह रहे हैं तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे, क्या बधाई हो, बधाई बधाई। सब 47, 56, 47 सब बालू माफिया लोग दोनों आदमी को मुख्यमंत्री बनाए, बधाई हो, बिहार बचेगा, बधाई हो।
तो आपने सुना, ये थे जाप अध्यक्ष पप्पू यादव। हमेशा से तेवर इनके कड़े हैं नीतीश कुमार के लिए, और होना भी चाहिए। इस बार सारी पार्टियां मिलकर नीतीश को सत्ता से हटाने का सपना जो बुन रही हैं, देखा जाए ये सपना कितना सच होता है। नेशन भारत की भी नज़र इस पर लगी है कि इस बार नीतीश कुमार या कोई और सरकार। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।